ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ फौजिया आरिफ और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अमीर हमजा जो कि कॉस्मेटोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं। आज तक हमने यही सुना था कि एक फील्ड है डर्मेटोलॉजी, जिस किसी को भी स्किन की बीमारी होती थी वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास दौड़ा जाता था, लेकिन हम देखते हैं कि लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हम डॉक्टर अमीर हमजा से ही पूछेंगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट में और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में फर्क क्या है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि ये दोनों फील्ड पहले एक थी, ये दो कैसे हो गई हैं? ओके, अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स का बहुत से लोगों को अभी तक अवेयरनेस इतना नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ बिग सिटीज में आता भी जा रहा है मीडिया की तरफ से। डर्मेटोलॉजी में ना मोस्टली हम डिजीज को ट्रीट कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को एक्ने हो जाता है, सोराइसिस है, एलर्जी है, एक्जिमा है, ऐसी कोई भी इशू है तो हम उसको डर्मेटोलॉजी में ट्रीट करते हैं। डर्मा में बेसिकली हम स्टडी ही डिजीज को करते हैं स्किन की। सेम लाइक एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स में हमारे आते हैं एस्थेटिक्स कॉस्मेटोलॉजी में ब्यूटी से रिलेटेड प्लान टोटल, ठीक है, बॉडी को रीशेप करना, फेस को रीशेप करना और जितनी भी मोस्ट ऑफ नॉन सर्जिकल इसमें जो ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स हैं हमारे एस्थेटिक्स मेडिसिन में आते हैं और ये एडवांस है। इसमें हम लेज़र से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो ये एस्थेटिक्स में आता है सारा कुछ। इससे मुझे जो आपकी बात से लगा कि बेसिकली हम किसी बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली एक शख्स की जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। किसी को होता है कि मेरी नाक टेढ़ी है, किसी को होता है मेरा रंग काला है, किसी को होता है कि मेरे बाल थोड़े हैं, मैं अपने बाल थोड़े से इम्प्रूव कर लूं, थोड़ी उसकी उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए, तो वो इस तरह की जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उनके लिए आपको रुजू करते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है कि मोस्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको किसी न किसी चीज का कॉम्प्लेक्स होता है, तो फेस में मतलब नोज का इशू है, कुछ लोग लिफ्टिंग चाहते हैं, तो देर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स। लोगों के कंसर्न डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट कंसर्न के साथ आते हैं तो उसको हम फिर ट्रीट करते हैं। हमसे आजकल हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेंड जो लोगों में पाया जाता है खासतौर पर फीमेल्स के दरमियान में कि उन्हें ना गोरा होने का बहुत शौक है। गोरा होने का इसको नहीं है। गोरा होने का शौक है और उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। कुछ लोग जो है वो क्रीमें यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है इंजेक्शन यूज कर रहे होते हैं, दोनों में फर्क क्या है? अच्छा देखें, अब ये जो गोरा होने वाला कॉन्सेप्ट है ना लोगों का, इसमें ये होता है कि पहले तो लोग ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हम इंजेक्शन लगवाएंगे, क्योंकि इनको पाकिस्तानी आवाम को ऐसे भी ये लगता है कि जो इंजेक्शन है ये पता नहीं क्या कर देगा, तो इनका कॉन्सेप्ट में ये भी होता है कि हम अंग्रेज बन जाएंगे इंजेक्शन लगाकर, जबकि ऐसा भी नहीं होता। अच्छा लफज ना वाइटनिंग मैं कहता हूँ गलत है बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजेक्शंस की। इंजेक्शंस में देखें, हम पेशेंट्स को ग्लूटाथायोन लगाते हैं, बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? ये बॉडी को क्लीन करता है ऑलरेडी, ठीक है, क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, आपके डेड सेल्स को बॉडी से निकाल देते हैं, तो साथ साथ आपके ओवरऑल कलर को फ्रेश करता है, आपकी बॉडी में हेयर की ग्रोथ अच्छी करता है, आपके नेल्स को अच्छा करता है, स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। तो आप ग्लूटाथायोन के कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल लेने से 2-3 टोन तक अपना कलर अचीव कर लेते हैं। उसमें भी फिर लोगों को होता है कि लाइक गोरा कितने परसेंट होंगे, क्या रिजल्ट्स ग्रांटेड होंगे या नहीं होंगे। रिजल्ट्स देखें मैटर करते हैं बॉडी टू बॉडी, इसमें 50% लोगों को रिजल्ट आ जाते हैं, 50% को नहीं आते, ठीक है। बाकी इंजेक्शन से पहले हम पेशेंट्स को कुछ टेस्ट वगैरह रेकमेंड करते हैं, अगर वो राइट कैंडिडेट है, उसके वो टेस्ट क्लियर हैं, तभी हम उस पेशेंट का वो वाइटनिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन फिर भी हमें मेंटेनेंस लाजमी रिक्वायर्ड होती है। मेंटेनेंस के लिए आपको सनब्लॉक लगाना पड़ता है, आपको अपनी डे की रूटीन, नाइट की रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जो ग्लूटा थे उनके इंजेक्शन है ये हर एक ही रेंज में नहीं है, ये थोड़े से एक्सपेंसिव है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता?
बिल्कुल इट्स अ बिट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना ग्लूटा की बॉडी पे बहुत अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। लेकिन ग्लूटाथायोन की कुछ टेबलेट्स भी आती हैं मार्केट में, लेकिन उनके रिजल्ट्स आई भी जितने नहीं होते जो हम ड्रिप के थ्रू ले रहे हैं। ओवरऑल इंजेक्शन डेफिनेटली स्ट्रांग होता है, लेकिन उसमें भी पेशेंट को सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, 10-20 सेशंस। उसमें वीकली बेसिस पर हम पेशेंट को सेशन दे रहे होते हैं। ओवरऑल विटामिन सी का इंटेक पेशेंट का अच्छा करवाते हैं ताकि उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो बॉडी में और उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, उसी के साथ ही हमने बात की कि हमारे खवातीन जो हैं वो क्रीम, वाइटनिंग क्रीम यूज कर रही होती हैं, तो क्या उन वाइटनिंग क्रीम्स में ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, और क्या ये रिजल्ट वो वाइटनिंग क्रीम जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती है? देखें, व्हाइटनिंग क्रीम ना ऑब्वियसली बात है हम पूरी बॉडी पे नहीं लगा सकते। व्हाइटनिंग क्रीम जस्ट केयर के लिए है, ठीक है। ग्लूटाथायोन की भी मार्केट में क्रीम्स आती हैं। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर तो ये कि हमें जितनी भी व्हाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं सेफ यूज करनी चाहिए। हमें मर्करी फ्री, स्टीरॉयड फ्री, थायराइड फ्री यूज करनी चाहिए। अब देखें, अगर आप एक स्टीरॉयड, मर्करी और हाइड्रोकोनाइन बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, दीज आर टोटली हार्मफुल प्रोडक्ट्स, मतलब ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, हार्मफुल एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, हम डेली बेसिस पे स्किन पर लगा रहे हैं, लेकिन ये अब उसका ये कंसेप्ट नहीं है। बाज लोग समझते हैं कि लगाने से कुछ नहीं होता, ओवरऑल इनटेक करने से कुछ, वो भी आपकी कैपिलरीज के थ्रू उसका इफेक्ट आपके ब्लड में जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं लोकल क्रीम्स यूज करने से, चेहरे पर बालों का बहुत ज्यादा हो जाना। अच्छा। अब देखें, आजकल ना पाकिस्तान में ये चीज का ट्रेंड बहुत पकड़ चुका है कि बाज देखो, मैं कहता हूं कि हर कलर बहुत प्यारा है, एवरी ह्यूमन इज सो ब्यूटीफुल। अब कम एज में, लाइक टीन एज में ना, मोस्टली क्या करती हैं लड़कियां, इस कॉम्प्लेक्स के चक्कर में ना लोकल क्रीम्स पे आ जाती हैं। अब वो डेली बेसिस पर मर्करी ले रही हैं, स्टीरॉयड वाली क्रीम ले रही हैं, उससे उनकी स्किन को एक तो एडिक्शन हो रही है, देयर स्किन लीड्स टू कैंसर, थिन होती जा रही है, उसमें उनको स्पाइडल वेन्स का इशू, हेयर ग्रोथ का इशू, फिर उनकी स्किन में इतनी रेजिस्टेंट नहीं है कि वो कहीं यूवी ए, यूवी बी, सूरज की शुआओं से फाइट कर सके। तो डेफिनेटली ऐसा पर्सन जब भी सन एक्सपोजर में जाता है उसकी स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा आती है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और इवन के ऐसा भी होता है, इनके साइड इफेक्ट्स इस हद तक हैं कि देखें, कुछ बस मसाइल हैं हर घरों में मुख्तलिफ, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे आजकल, तो वो जी रंग काला है, तो इस कॉम्प्लेक्स में वो बेचारी लाइटनिंग और वाइटनिंग क्रीम्स पे आती हैं, और एक लॉन्ग टर्म यूज करने से उनके हार्मोनल इशू उनको बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बाद में सबसे ज्यादा ये बहुत आता है कि लाइक माँ बनने तक में इशू आता है बच्चों को, इस चीज से अवॉइड करना चाहिए हमें। नहीं, आर्टिफिशियल पर डिपेंड करता है। आप कौन सी एज को रिकमेंड करोगे कि आप ये इंजेक्शन की तरफ भी जाए? देखें, एज की जहां तक बात है ना, कोशिश करो कि अपनी लाइफ को ना लेस केमिकल का आदि बनाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों के अगर कंसर्न है कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा दिखना है, ब्राइट और फ्रेश दिखना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा 18 हमें ये यूज करने चाहिए इंजेक्शन। और जो अगर हम क्रीम्स भी यूज कर रहे हैं उसको भी एटलीस्ट हमें चेक करना चाहिए कि उसमें कोई पैराबेंस तो नहीं है, उसमें कोई मर्करी या कोई स्टीरॉइड्स नहीं है। हमें कोई भी चीज लोकल अनहाइजीनिक यूज नहीं करनी है, जो भी यूज करना है उसमें क्वालिटी बहुत मैटर करनी है। आप अपने स्किन के साथ कुछ हमें लोकल का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हमें बेसिकली वर्ड यूज करना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। आप वो इंग्रेडिएंट्स देख लें, अगर वो इंग्रेडिएंट्स सूटेबल है तो वो बेशक लोकल मैन्युफैक्चर है या वो बाहर का मैन्युफैक्चर है, दैट वुड बी सूटेबल फॉर अस। नहीं, ऑब्वियसली बात है, अब मार्केट में 150 से 200 रुपए की जो क्रीम्स मिल रही है उसमें ओवरऑल उनकी पैकिंग ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड है, तो आप खुद सोचें वो एक, मतलब क्लाइंट को क्या करेगी, उसने नुकसान ही देना स्किन पे। बहुत तेजी से जो स्किन चीजें गोरा कर रही है उसमें तो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स से बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो इन सब चीजों से हमें अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा, हम जैसे इसके मेडिकेटेड पे डिपेंड करें, ठीक है, जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, एटलीस्ट वो किसी हद तक आपकी स्किन के लिए सेफ है। हमने एंटी एजिंग को, ये वाइटनिंग वगैरह को डिस्कस कर लिया। हमारे बहुत से लोग हैं जो कि ना फिलर्स के ऊपर जाते हैं, ये फिलर्स क्या है और फिलर्स किस किस जगह पे बॉडी में यूज होते हैं और इनके बेनिफिट क्या है? ओके, देखिये, फिलर में ना बेसिकली फिलर क्या है, फिलर एक हेलरोनिक एसिड है
जो कि एक मॉइस्चर एलिमेंट है, ठीक है। फिलर्स उसके मतलब आपको नाम से ही पता चल जाएगा, फिलर का मतलब किसी चीज को फिल कर देना, ठीक है। तो मोस्टली पेशेंट्स को कैविटी होती है स्किन में, जैसे अंडर आईज बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स और कैविटी बन जाती है, आंखें अंदर को चली जाती हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम फिलर लगा लेते हैं। बहुत लोगों को आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया, लिप्स में वॉल्यूम चाहिए होता है, उसमें हम फिलर यूज करते हैं। कुछ लोगों के चीक्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं, फेस हेल्दी नहीं लगता, तो हम विद द हेल्प ऑफ फिलर उसको हम यूज करके वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी एक चीज ये होती है कि जब फिलर्स लगवाते हैं तो फिलर पर हमें बार बार मतलब इसकी मेंटेनेंस पर आना पड़ता है। फिलर को अगर मैं दोबारा फिलर टेक एन एग्जाम्पल, मैं एक दफा आपके पास आई हूँ, मैंने फिलर लगवाया है, फॉर हाउ लॉन्ग, वो कितना अर्सा के लिए स्टे करेगा? देखें, इसमें डिपेंड करता है, मोस्टली डिहाइड्रेटेड सबसे पहले नहीं रहना चाहिए। मोस्टली लोग फिलर्स करवाते हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, वो अक्सर बीमार हो जाते हैं, डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई। फिलर हेलरॉनिक एसिड एक वाटर एलिमेंट है, टोटल वाटर का मॉलिक्यूल है, तो उसकी वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएगा। तो डिफरेंट पेशेंट्स पे इसके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, कुछ लोगों में ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ का ये बहुत अच्छा लास्ट करता है, बाकी ओवरऑल ये सेफ होते हैं। लेकिन जब भी हम फिलर भी लगवा रहे हैं, फिर भी अगेन बात आ गई वही क्वालिटी की, हमें चेक करना है क्या ये हमारा फिलर FDA अप्रूव्ड है, क्या ये हमारा फिलर CE रोहास इन सबसे अप्रूव्ड है, क्या ये GMP सर्टिफाइड है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं क्वालिटी वाइज। अच्छा, एक और बात भी मैं फिलर के हवाले से पूछना चाहूंगी कि क्या जो हमारे, देखिए हर बॉडी का सब्सटेंस जो है ना वो डिफरेंट है, मेरे हाथ की स्किन जो होगी वो डिफरेंट होगी, मेरे फेस की स्किन डिफरेंट होगी, मेरे बाकी पार्ट्स जो है उनकी जो टेक्सचर होगा या कंसिस्टेंसी होगी वो डिफरेंट होगी, क्या सेम फिलर जो है वो यूज होता है? नहीं, देखिए बॉडी के लिए टाइप्स होती हैं, हम पेशेंट की टाइप्स के अकॉर्डिंग ही उसको यूज करते हैं। फिलर हर बॉडी पे के पार्ट का डिफरेंट फिलर होता है, इट्स नॉट मीन कि हम एक ही फिलर से मल्टीपल टाइप का वर्क ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। फिलर की भी पोटेंसीज आती हैं, जैसे कि नॉर्मल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रिजिड, जैसे जिनको हम मोस्टली उसमें पैकिंग में लाइक फाइन वॉल्यूम और इस टाइप का नेम देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ना मैंने रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी जिसको के थोड़ा सा गो थ्रू किया था, और मैं बहुत क्यूरियस थी उसके बारे में जानने के लिए, वो था थ्रेड्स। ओके, थ्रेड्स क्या काम करते हैं? अच्छा, देखें थ्रेड्स, अगर हम थ्रेड्स को डिस्कस करें ना, थ्रेड्स बेसिकली एक प्रोटीन टाइप, कोलेजन प्रोटीन बेस्ड, एक लाइक कह सकते हैं थ्रेड्स एक धागा टाइप होता है जिसे हम स्किन को लिफ्ट करते हैं। ये लिफ्टिंग में यूज होता है पेशेंट की, और ये नॉन सर्जिकल है। पहले आपको सर्जरी, जैसे बहुत कुछ साल पहले चले जाओ तो ये थ्रेड्स वगैरह उस टाइम पाकिस्तान के मार्केट में नहीं आए थे, ऑल ओवर वर्ल्ड ये यूज होते थे। तो लिफ्टिंग के लिए, फेस को टाइट करने के लिए, खींचने के लिए हम लोग थ्रेड्स यूज करते हैं। थ्रेड्स बेसिकली एक जो थ्रेड होता है वो PDO होता है, पॉलीडाइऑक्सेन, ये कोलेजन की प्रोडक्शन करता है स्किन में। कोलेजन आपके मसल्स को भी अच्छा टाइट करता है और बहुत ज्यादा स्किन को रीमोल्ड भी करता है। और बेसिकली ये बॉडी के कौन से पार्ट्स में यूज होता है? देखिए, थ्रेड्स डिपेंड करता है, हम थ्रेड्स को सैगीनेस को ट्रीट करने के लिए भी लगाते हैं, मोनो थ्रेड्स लगाते हैं, शुगर थ्रेड्स लगाते हैं, PDO कॉग लगाते हैं, लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, हमें किसी भी बॉडी पार्ट को लिफ्ट करना है, तो ओवरऑल थ्रेड्स हम बॉडी पे यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, जो क्लाइंट को हमारे सामने में एक बहुत बड़ी एग्जांपल है माइकल जैक्सन की। अच्छा, ठीक है, ही बॉर्न एज अ ब्लैक ब्लैकिश पीपल, ठीक हो गया, उसने बाद में बहुत से इस तरह के ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाए और फेस भी हमने देखा, उसका फेस भी चेंज हुआ, फिर उसका कलर भी ऑल टुगेदर चेंज हो गया। तो वाज दैट अ कॉस्मेटोलॉजी और वाज दैट अ डर्मेटोलॉजी और वाज दैट अ सम सर्जरी, हम उसको कहाँ कैटेगराइज करते हैं? देखो, ये एक उसकी, देखो जहां तक माइकल जैक्सन की बात की जाए, वो एक उसकी जो प्रोफाइल थी ना, उस पर तो कह लो कि मल्टीपल वर्क हुए, सर्जन से सर्जरीज, ठीक है, डर्मेटोलॉजी में तो मेरा नहीं ख्याल, तो हम डिजीज में आ जाएंगे, बाकी उसमें एस्थेटिक्स का और कॉस्मेटोलॉजी का बहुत रोल है। अब देखें, वाइटनिंग अचीव करने के लिए हम मैक्सिमम डोजेस लेते हैं इंजेक्शन के, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, बेसिकली ये होता है
कि इस इंजेक्शन का जब साइड इफेक्ट आता है बॉडी पे, बॉडी आपकी तब जाकर व्हाइट होती है। बाज लोगों को बहुत जल्दी साइड इफेक्ट आता है, बाज लोगों को बहुत जल्दी साइड इफेक्ट नहीं आता। तो जब तक साइड इफेक्ट नहीं आएगा, बेसिकली व्हाइटनिंग है इसका साइड इफेक्ट। आप फ्रीक्वेंटली वीकली बेसिस पे डोजेस ले रहे हो। जितना ज्यादा साइड इफेक्ट लेंगे उतना हमारा कलर इसका ब्राइटनिंग की तरफ जाएगा, इसका ये कॉन्सेप्ट है। दैट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट के आप एक चीज ले रहे हो और आप उसका साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो और उस साइड इफेक्ट से फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, एस्थेटिक्स में मोस्टली ऐसा ही होता है कुछ ट्रीटमेंट्स में, जैसे बोटॉक्स। बोटॉक्स में हम मसल को एज अ साइड इफेक्ट मसल बोटॉक्स लगाते हैं जिससे मसल पैरालाइज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। उससे पेशेंट को लगता है कि मेरा फेस अब रिंकल फ्री है क्योंकि मसल्स मूवमेंट नहीं कर रहे। उसको भी उस साइड इफेक्ट को हम एज अ ब्यूटी यूज कर रहे हैं, सेम लाइक इंजेक्शन। बास पेशेंट को एक कोर्स करते हैं हम 10 to 10 इंजेक्शन का, उसको नहीं उसमें इफेक्ट आता, मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को आ भी जाता है। जिसको नहीं आता इट्स मीन कि उसके मेलानिन साइट्स स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं टूट रहे, अभी उसकी बॉडी ने उस तरह का साइड इफेक्ट नहीं दिया, ठीक हो गया। हम उसको डोजेस और लगाते हैं, उसको 20 सेशन तक रेकमेंड ले जाते हैं, सही हो गया। तो जब इस इंजेक्शन का बॉडी पर साइड इफेक्ट आना शुरू होता है, ओवरऑल ये इट्स साइड इफेक्ट, इट्स नॉट मीन के इंटरनली डैमेज कर रही है वो ग्लूटाथियोन। अगर मैं अब अपना फेस देखूं ना, तो मैं इस तरह करती हूँ ना, तो मेरे रिंकल से आते हैं। इफ आई यूज द बोटॉक्स, सो दिस मीन के मेरी ये स्किन पैरालाइज है, इस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा। Yes, देखो मसल्स का ना एक्शन है, कॉन्ट्रेक्शन भी करनी है उसने, रिलैक्सेशन करनी है। अब ऑब्वियसली बात है, हम अगर इस तरह करेंगे तो हमें लाइंस अपीयर होंगी, गुस्सा आ रहा है, ऐसे एक्शन है ये मसल्स का। हम बोटॉक्स लगाते हैं तो उससे ये होता है कि बोटॉक्स के जो इंजेक्शन से आपका मसल वहीं पर फ्रीज हो जाता है। आप उसको ऐसे हरकत ही नहीं कर सकते हो, तो फिर आप पेशेंट को ये लगता है कि जो लो मेरी रिंकल्स खत्म हो गई है, तो उसका 6 माह तक असर है। कौन सी रियल, क्योंकि अगर मैं बोटॉक्स नीचे अपनी चिन पे लगा लूं, मैं तो खाना ही नहीं खा सकती क्योंकि मेरे तो लिप्स। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, लोग पानी पी रहे होते हैं, उनका पानी साइड से गिर रहा होता है, मसल फ्रीज हो गया है ना उनका, पैरालाइज हो गया। और एक अच्छा बोटॉक्स भी आपको हमेशा एक किसी ट्रेन डॉक्टर से लगवाने चाहिए। इसमें काफी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, लोग बोटॉक्स लगवाते हैं, आंख बड़ी छोटी हो जाती है, आईज में फर्क आ जाता है। अब उसको वेट करना है, वो 6 मंथ तक जाके, 4-5 मंथ तक जाके उसका असर खत्म होता है। और उसमें कुछ पेशेंट कहते हैं कि वो ठीक होता है आपका मसल, बाज पेशेंट को लगता है कि असर खत्म हो गया, वो फिर से बोटॉक्स करवा लेते हैं। तो ये इसमें सारा है। लेकिन बोटॉक्स के हम एज अ फायदे के लिए भी हम बोटॉक्स को यूज करते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस पेशेंट्स को बहुत ज्यादा, जैसे पसीना बहुत ज्यादा आता है लोगों को, हम उसमें भी बोटॉक्स को यूज करते हैं, हेडिक में भी बोटॉक्स को यूज करते हैं। तो ओवरऑल कह लो कि बोटॉक्स के साइड इफेक्ट को एज अ बेनिफिट यूज कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तो स्वेटिंग कंट्रोल करने के लिए बोटॉक्स जो है इट्स अ गुड सॉल्यूशन। एक्चुअल बोटॉक्स क्या वर्क करता है वो मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर दी। बिल्कुल ऐसी बात है। इसके अलावा ना मैंने आजकल बहुत ऑब्सेशन देखी है, कोई सेलिब्रिटी है ना तो लोग चाहते हैं कि मेरी शक्ल उसके जैसे बन जाए, तो इज इट पॉसिबल? देखिए अल्लाह ने मेरी एक शक्ल बनाई हुई है, मेरी एक जॉ लाइन बनी हुई है, मेरा एक ना हड्डियों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं उसको तो नहीं चेंज कर सकती। बिल्कुल, नेचर तो से इतनी ज्यादा, मैं भी यही कहता हूँ कि फाइट नहीं करनी चाहिए, चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी फिर 100% आप कभी भी, मेरा नहीं ख्याल आज तक कोई सर्जरीज ऐसी होगी कि मैं कहूँ कि मैं शाहरुख खान बन जाऊं और कोई सर्जन मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा बना दे। ही इज द ओनली क्रिएटर, वो तो अल्लाह ताला की जात है जो बना सकती है ऐसा। लेकिन किसी हद तक हम चीजों को ट्रीट कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी नोज थोड़ी टेढ़ी है या इसका हैम्प डाउन है या नोज पे चोट लगी एक्सीडेंटली तौर पे कुछ हुआ, हम उसको ट्रीट कर लेंगे। पैदाइशी जैसे बच्चों का अक्सर होंठ पे कट होता है, हम उसको ट्रीट कर लेंगे। लेकिन ये सारा सर्जिकल डिपार्टमेंट का काम है। हमजा, हमने जब डर्मा को देखते हैं ना तो डर्मा के बारे में हमें बहुत सारी रिसर्च जो है ना ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफकोर्स के वो ना पढ़ाई भी जाती है, बहुत ज्यादा वाइडली पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हम कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जाते हैं ना, तो अभी हमारे पास ना उस तरह मटेरियल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, जब भी हम फायदे नुकसान क्या है, कि जब भी हम इस चीज के बारे में सोचें तो सोचते हुए हम किन किन एलिमेंट को ध्यान में रखें कि ये एलिमेंट हमारे लिए फायदेमंद है और ये एलिमेंट जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह, हमें इससे बचना है और
ये हम कर लें तो हम सेफ है। देखें कॉस्मेटोलॉजी एज मेन के ये कॉस्मेटिक्स पे ज्यादातर डिपेंड है और कॉस्मेटिक एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ केमिकल्स पे होते हैं, तो हमें सबसे पहले तो स्किन के लिए हार्मफुल केमिकल को सर्च आउट करो और आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें वो हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। तो इसमें ये चीजें बड़ी मैटर करती है। जहां तक रिसर्च की बात है तो एस्थेटिक्स कॉस्मेटोलॉजी के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलते हैं, आप इसको गूगल पे स्टडी भी कर सकते हैं, PDF जर्नल्स लिख के, कोई भी आपका इसका कंसर्न है। लेकिन मोस्टली जो लोगों ने वीडियो खुद से बनाकर यूट्यूब पर डाली होती है कि इसके ये साइड इफेक्ट है, वो कम इलम भी बड़ा खतरनाक होता है, सेम इसी तरह उन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। आजकल पूरी जनरेशन आ रही है यूट्यूब पर रिव्यूज देने के लिए, बताने के लिए एक चीज को ये होगा ऐसे होगा, इस चीज से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए आपको। इसीलिए तो देखो ना, आपको फिर भी कंसल्ट करना चाहिए। असल में आपका सेशन इतना है और हमारे पास टाइम लिमिटेड है, अभी आपने खुद ही बात कर दी कि हमें ना जो हार्मफुल केमिकल्स है ना उनसे बचना चाहिए। एक लेमैन पर्सन की तरह मैं बैठी हूँ या कोई और बैठा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हार्मफुल केमिकल है? मैं तो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। मैं तो किसी भी बड़े से अच्छे से अच्छे स्टोर पे भी जाऊंगी। ठीक हो गया, अब बात आती है कंसल्टेशन की। अब बात आ रही है जाना है अपने अपने उसके ऊपर, एक तो रेवेन्यू की तरफ जाना है, दूसरा उन्होंने अपनी सेल की तरफ जाना है, वो इन सारी चीजों की तरफ जाएंगे, वो मुझे वो उसमें से महंगा प्रोडक्ट तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? अच्छा, अब देखो ये बात होती है, इस चीज में आती है कंसल्टेशन। तो इसीलिए हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उससे अपनी सारी की सारी डिस्कशन करते हैं और जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग सूट करता है वो हमें रेकमेंड करता है। तो हमें हमेशा डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है उन्हीं प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करने चाहिए। स्किन को लेबोरेटरी मत बनाओ, मैं कहता हूँ कि हर चीज को ट्रायल ले जा रहे हैं। तो इस चीज में ये होता है, हम अपने सब देखने वालों को एक खास जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप डॉक्टर हमीर हमजा के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमीर हमजा जो है वो फ्री कंसल्टेशन देते हैं, उन्होंने कभी कंसल्टेशन का चार्ज नहीं किया। और इट्स अ बिग थिंग कि आपकी मर्जी है, आप ट्रीटमेंट करवाओ या ना करवाओ, लेकिन यू कुड गेट अ गुड कंसल्टेशन फ्रॉम हिम। That's the biggest thing I found, मैंने जो कि इनके क्लिनिक में आइडेंटिफाई की थी कि उन कंसल्टेशन का कभी चार्ज नहीं करते। That was the best thing। हमजा, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे लोगों को क्या बताना चाहेंगे, बिकॉज ये एक इतनी डेलिकेट स्किन फेस का पार्ट है। वो कहते हैं ना कि दिल कोई बाद में देखता है, चेहरा पहले देखता है। सबसे पहले चेहरा है जो कि आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए और हमें कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जिनको कि हमें अवॉइड करना चाहिए? ओके, अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ रिलेटेड टू स्किन, जिससे आप अपने स्किन को अच्छा और हेल्दी रख सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये आता है, मोस्ट ऑफ सबसे पहले हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं जो डेली बेसिस पर मेकअप वगैरह यूज करती हैं, हमेशा मेकअप को रिमूव कर सोएं, क्योंकि स्किन हमारी जो है वो ब्रीथ लेती है। अगर आप उसकी स्किन पे कोई कोटिंग लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी स्किन सांस नहीं ले रही, तो आपको एक्नी या इस टाइप के इशूज, ऑब्वियसली वाइट हेड्स, विशियस फिलामेंट्स, ऐसे मल्टीपल इशूज आपकी स्किन पे आएंगे। जब भी हम बाहर जाते हैं, सूरज को हम ये नहीं कह सकते कि वो ना निकले, हमें हमारा एनवायरनमेंट ना बहुत ज़्यादा लाइक एनवायरमेंटल डैमेज हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का धुआं, पोल्यूशन, फिर यूवी ए, यूवी बी, सूरज की शुआएं उनसे पास आउट होकर आ रही हैं, डायरेक्टली आपके स्किन पर लग रही हैं, तो ये आपको नुकसान दे रही हैं। सो ऑलवेज वेयर अ सनब्लॉक, सनब्लॉक से कभी छुट्टी नहीं करनी। लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि सर्दी में लगाओ गर्मी में नहीं लगाना, बाज लोगों को यही समझ नहीं आती, सर्दी भी लगाना है गर्मी भी में भी ही लगाना है आपको। अच्छा। छुट्टी नहीं है इस चीज में कोई भी। सनब्लॉक तो डेली बेसिस में अपनी रूटीन बना लो, एक अच्छी कंपनी का फिजिकल सनस्क्रीन या सनब्लॉक जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी हो, हार्मफुल ना हो स्किन के लिए, वो आप रूटीन में डेली यूज करें। और मोस्टली आपको इसको रीएप्लीकेट भी किया जाता है, कोई भी सनब्लॉक आपको हर 3 घंटे बाद दोबारा लगाना है। मेरा एक पर्सनल सवाल है, मैं जब किसी जगह पे जाती हूँ ना तो मुझे सब लोग कहते हैं आपकी स्किन बड़ी ड्राई है। अच्छा, तो मैं बड़ी हैरान परेशान होती हूँ कि मैं तो हर तरह से ख्याल करती हूँ, पानी भी पीती हूँ, सनब्लॉक भी लगाती हूँ, फिर मेरी स्किन ड्राई क्यों है? अच्छा देखें,
स्किन की ना बेसिकली टाइप्स होती हैं, ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ड्राई, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन ड्राई स्किन वालों की फिर केयर में ये होता है कि हम उनको जैसे कि विटामिन ई के कैप्सूल देते हैं जो कि बॉडी को इंटरनली नरिश करते हैं, कोलेजन्स के कैप्सूल, सप्लीमेंट्स के प्लान पे पेशेंट को जाना पड़ेगा, जिससे बॉडी नरिश होगी तो ऑब्वियसली बात है उसका इफेक्ट जो है वो आपके आउटर लेयर पे लाजमी आएगा, तो आपको सप्लीमेंट्स भी ट्राई करने चाहिए। अच्छा जी, हमने खवातीन के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन देखें हमारे 48% जो है ना वो मेल भी हैं, मेल्स के भी बड़े सारे इश्यूज आते हैं, हमने उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है। कुछ उनके बारे में बताएं, कौन से ट्रीटमेंट हैं जो कि उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं और वो उससे फायदा उठा सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस में अभी तक जो बॉयज और मेल्स मेरे पास आते हैं ना स्पेशली, उनका कंसर्न होता है जस्ट हेयर। अच्छा, हाँ जी, तो हेयर के लिए मतलब आते हैं, हेयर फॉल के इश्यूज के लिए, मोस्टली ऐसे भी आते हैं कि जिनको स्किन की कलर का और ओवरऑल चीजें, ट्रीटमेंट्स तो फिर हम उनको उनके अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करते हैं। बाकी जहां तक बात आ रही है ना स्किन केयर की, वो मेल और फीमेल की ऑलमोस्ट सेम ही केयर है, उसमें बात वही आ गई कि आप हमेशा जब भी बाहर निकलें सनब्लॉक यूज करें, अच्छे क्लींजर्स यूज करें, रात को जब भी सोते हैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके सोएं ताकि आपकी स्किन का पीएच और बैरियर कभी खराब ना हो, और उल्टे सीधे टोटकों से बचें। बाज़ुकात लोग लेमन लगा लेते हैं स्किन पर, ये बहुत हार्मफुल चीज है, स्किन पर कभी भी डायरेक्टली लेमन नहीं लगाना चाहिए। हमें कोई सस्ता सा सलूशन बताएं, हमारे जो ऑडियंस सुनने वाले हैं उसमें हर तरह के लोग हैं, ठीक है, तो आप हमें, हमने आपको बुलाने की एक बहुत बड़ी वजह, ठीक है, आपका हमने एक हाई एंड भी देख लिया, हम एक वो एंड भी देखना चाहते जिससे हर कोई फायदा उठा सके। अच्छा, इसमें तो अब अगर डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्टली मैं जैसे ये बताना चाहूंगा कि वैसे बालचर पे चलो आ जाते हैं, बाज लोगों को बहुत ज्यादा बालचर का इशू होता है, और जैसा कि कहीं भी दाढ़ी में हो गया, सर के बालों में पैचेस बन गए, वो लोग मेडिसिन पे नहीं जाना चाह रहे। आप इसको अमेरिकन जर्नल भी स्टडी कर लो, बेशक या यूके जर्नल, इसमें ओवरऑल जो रेमेडीज में अगर बात की जाए तो इसमें गार्लिक और जिंजर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। आप गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, अब ये तो हर किसी की रेंज में है, बालों की ग्रोथ के लिए आप गार्लिक और जिंजर लगा सकते हैं, उसका पेस्ट बहुत अच्छे है, वो एंटीऑक्सीडेंट और आपको इन रिच विटामिन्स हैं उसमें जो बालों के लिए बहुत अच्छे, आपके बालों की ग्रोथ अच्छा करता है। हमने देखा कि गार्लिक और जिंजर एकदम से स्किन को ना रिएक्ट करता है। नहीं देखो, वो रिएक्ट नहीं करता, अब कोई भी चीज है उसने थोड़ी बहुत तो उसने अपना एक्शन दिखाना है तो वो किया, लेकिन ओवरऑल हेयर ग्रोथ पे, पैचेस पे, बाल चर पे इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। और डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं लगाओ, दिस इज अ फॉर्मूला विच इज फॉर योर हेयर्स, आपके हेयर के लिए, बालों के पैचेस। सो हाँ, मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहूंगी कि अगर एक चीज ने आपको किसी एक जगह पे बेनिफिट दे दिया तो लाजमी नहीं कि सेम बेनिफिट आप उसी प्रोडक्ट से दूसरी जगह पे भी ले सकते हैं। अगर आपको उसने बालों को ठीक कर दिया है तो इस डजंट मीन, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो आपकी हाथ की स्किन को भी, आपकी स्किन को भी वो ठीक कर देगा। तो ये चीज का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि जिस चीज के लिए जो चीज बनी है आप उसको उसी चीज के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल, इसीलिए कंसल्टेशन, काउंसलिंग, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप खुद से कुछ भी ट्राई ना करें जो कि आपकी स्किन को बाद में नुकसान दे, आपके बालों को नुकसान दे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमीर, आप आज हमारे शो पे आए और हमसे वो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की, वो सारी हमारी जो कुछ एम्बिग्विटीज थी, जो हमारे गलतफहमियां थी चीजों के बारे में, वो आपने दूर की। हम उसके लिए बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं आपके, और हम चाहेंगे कि लोग इसको सुने और देखें और वो भी जो इससे जो उनकी मिसकंसेप्शन हैं वो उसको क्लियर कर सके।